बाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज़ एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज़ है। ड्रेगोस नाम का वो आदमी हम सब का दुश्मन है। आप यकीन रखें कि उसके खिलाफ जंग में हम सब आपका भरपूर साथ देंगे। जाल बिछाया जा रहा है जनाब। कैसा जाल? इल्फिल के खातून के खिलाफ जाल बिछाया। किसने सांगुच, किसने बताओ? ताजिरों ने। अपनी तलवारें लेकर वो लोग इल्फिल के खातून के पीछे गए हैं। मैंने उन्हें पहली बार तलवारें उठाते देखा है। उन्हें देख कर घबरा गया था तो आपको बताने चलाया फौरन। और अगर हम ये हुक्म ना माने तो? तो इस किले का मुहासरा कर लिया जाएगा। अगर किसी ने भी बाहर जाने की कोशिश की तो उसे मालूम होना चाहिए कि हमारी तलवारें हुक्म मदूली नहीं करती हैं कभी। सुंगुर तकिन ने हमें मक्तूब के जरिए खबर दी है कि मंगोल हमारे कुछ खास अफराद और उलमा को कत्ल करके हमारी जानिब से मुजाहिमत को कमजोर करना चाहते हैं। क्या तुम्हें उस ट्रेगोस नामी शैतान ने भेजा है यहाँ? बहुत समझदार खातून हो तुम। मेरे भाई सुलेमान, सुलेमान, इल्बिल के खातून। एल्टिनोडो के हुक्मरान के पास अपना एक एल्ची भेजेंगे। वो एल्ची उसे हमारे मुश्तरिका और बड़े दुश्मन मंगोलों के खिलाफ इस जंग में हमारा इत्तेहादी बनने की पेशकश करेगा। जल्दी बताओ। मुर्दे बोलते नहीं। किसने किया है ये? सिपाहियों चारों तरफ तलाश करो। मरना नहीं, मरना नहीं घटिया इंसान। ड्रैगोस कौन है जवाब दो मुझे। जहन्नुम में जाओ। वही था जिसने इसे 3 मारा। चोरी सुलेमान, सुलेमान चोरी, चोरी मेरी मदद करो। ये सब कुछ एक मंसूबे के तहत हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। जल्दी करो, जल्दी करो सुलेमान। जल्दी से जख्मियों को ले जाओ और इनका इलाज शुरू करवाओ। हम बाद में बात करेंगे इस बारे में। आप कहीं और जा रहे हैं? मैं सोच जाऊंगा अर्तुल सरदार से मिलने। जो कुछ यहाँ होता रहा मुझे वो सब जानना है। भाई हर एक बात वाजे हो चुकी है, कुछ गलत नहीं किया उन्होंने। तुम परेशान मत हो, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। सुलेमान, मेरे भाई सुलेमान। हमें क्या करना है भाई? हम अनातोलिया में मंगोलों के खिलाफ सबसे बड़ी मुजाहिमत शुरू करने वाले। कैसे भाई? सुल्तान बायबर्स और तमाम तुर्क कबाइल के दरमियान एक वसी इत्तेहाद के जरिए। मिस्र के सुल्तान बायबर्स? हाँ।
मंगोलों को रोकने का वाहिद जरिया ये इत्तेहाद ही है। ये बात सुल्तान बाइबर्स भी जानते हैं। हमारा हदफ यह है कि हम अनातोलिया में तुर्क कबाइल को मंगोलों के खिलाफ तैयार करें। इंतकाम लेने के लिए अपनी तलवारें नियाम से बाहर निकालने का वक्त आ गया है। बहुत अच्छा फैसला है भाई। आखिरकार मैदान जंग सजने वाला है। तलवार तेज करने का वक्त आ गया है। हक का परचम अब वैश्यों की जमीन पर लहराने वाला है भाई। आज के बाद हमारी हर कार्रवाई खुफिया हुआ करेगी। जब हमारी जंग की तैयारी मुकम्मल हो जाएगी तब अनातोलिया अपनी तारीख की सबसे मुश्किल और तवील जंग का शाहिद होगा। वक्त आ गया है कि गुलामी की जंजीरें तोड़कर आजादी की जानिब बढ़े। बहुत खून बहेगा, बहुत नुकसान होगा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से इस कुर्बानी के इवज तुर्कों की आजादी की आग रोशन होकर रहेगी। अरे माशाल्लाह। सुलेमान साहू जी, ये लो मुझे साफ कपड़ा दो। अपनी आंखें तो खोलो मेरे बच्चे। कुर्बान जाए तुम्हारी वालिदा। आर्तुक साहब, बताइए मुझे, ये ठीक तो हो जाएगा ना? जख्म ज्यादा गहरा नहीं है हायमा खातून, लेकिन खून बहुत बह चुका है। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, जल्द सेहतियाब हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सुलेमान, अपनी आंखें खोलो मेरे बच्चे, देखो तुम्हारी माँ कितनी परेशान। इसका बुखार तो बहुत तेज हो रहा। दो साहू जी, या अल्लाह मेरे बच्चे पे रहम कर। सबके साथ तुम्हें ही मसला क्यों होता है इलबिलगे खातों? किसने जाल बिछाया था तुम लोगों के लिए? हमें किसी से भी कोई मसला नहीं है सलजान खातून। तो फिर ये सब क्या है आखिर? जब से हम सऊद आए हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि कौन मसाइल पैदा कर रहा है हमारे लिए। ड्रैगोस ने किया है ये। अर्तुरुल सरदार और बाकी सब ये बात जानते हैं। बिलगी खातून कहां है? वो जंग लड़ने में मसरूफ थी। परेशान मत हो आताज। बेबुलाद सरदार। खुश आमदीद सरदार, आप अचानक यहां कैसे?
खबर इसीलिए नहीं थी कि परेशान हो जाते तुम। इल बिल के खातून जंग लड़ रही थी और आप यहां खाना तनावुल फरमा रहे हैं। अताच, क्या मतलब सरदार? इल बिल के खातून, तुम घबरा क्यों रहे हो? आखिर बहुत वक्त है हमारे पास बातचीत करने के लिए। मेरे बाबा की मौत कैसे हुई मुझे तफसील सुननी है। यिनाल, उठाओ ये सब और कहो कि मेरे लिए कच्चा गोश्त लेकर आए। पके हुए में आखिर तवानाई कहां? मुझे खून वाला गोश्त पसंद है। अर्तुल सरदार मौजूद हैं क्या? मुलाकात करनी है। नहीं सरदार, वो कहीं गए हुए हैं। तो रवानगी हो चुकी है। बाबा की मौत के बाद मेरी बहन इल बिलगे यहां का सारा निजाम चलाती रही, लेकिन आज के बाद हर हुक्म मेरा चलेगा, इसलिए कि उमर सरदार का जानशीन मैं हूं। ये क्यों कह रहे? ऐसा नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है ये? सरदार, हमें दीगर सरदारान का इंतजार करना होगा मुशावरत के लिए। यिनाल, देखा तुमने, सरदारान जिरगा बुलाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। क्या कोई ऐसा भी है जो इस मनसब को हासिल करना चाहता हो मेरे अलावा? नहीं सरदार, मेरा यह मतलब नहीं। अच्छा है, बल्कि बहुत खूब कहा। ऐलान है मेरी सरदारी का। अर्तुरुल ने 10,000 सोने के सिक्के मांगे हैं लईस से। अदायगी न करने पर किले के तमाम रास्ते बंद करके ईसाई ताजिरों को बाजार जाने से रोक दिया जाएगा। किले का मुहासरा करना अवाम को खुदकुशी करने पर मजबूर कर देगा। सब लोग लाचार हो जाएंगे और हथियार डाल देंगे। अर्तुरुल बहुत समझदार है, दुश्मन को डराने का फन जानता है। लईस ने मुलाकात करके मामला हल करने का कहा है, वो अर्तुरुल के जवाब का मुंतजिर है। सही किया उसने, लेकिन तैयार रहना होगा, अच्छी तैयारी करनी होगी। अर्तुरुल का हदफ सोना नहीं, मेरे बारे में जानना है। हमें क्या करना चाहिए जनाब? कुछ नहीं, अर्तुरुल पूरी तरह चौकन्ना हो गया है। तुम भी कहीं बाहर नहीं जाना, यहीं रहना। और लईस? लईस, वो जानता है क्या करना है। वो मर जाएगा लेकिन मेरा नाम कभी नहीं बताएगा, कभी नहीं। सिपाहियों को तैयार रहने का हुक्म दो। अर्तुरुल के यहां आते ही उसका खात्मा करना है।
सोत में हमें बहुत कुछ करना है, ये बात आप सब लोग जान लें। कोई गफलत बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। अर्तुरुल सरदार और काई कबीले के बारे में बहुत शुक्रिया। खुशामदीद अर्तुरुल सरदार, बहुत शुक्रिया। मैं बेबुलात उमर सरदार का बेटा। खैरियत तो है, क्या हो रहा है यहां? हम यहां तहकीकात के लिए जमा हुए हैं। जो कुछ मेरे सिपाहियों और बाबा के साथ हुआ, कौन है उसका जिम्मेदार, उसकी तहकीकात। हम अच्छी तरह तहकीक कर चुके हैं इस बारे में। जल्द कातिल को तलाश करके मैं खुद सजा दूंगा। आपको कोई खास बात मालूम करनी है क्या? मैं यहां सिर्फ महसूलात जमा करने नहीं आया, बल्कि हकीकत जानने आया हूं। जो कोई भी इसका जिम्मेदार रहा वो बच नहीं पाएगा मुझसे। उसे अदालत सजा नहीं देगी बल्कि मैं दूंगा। लेकिन पहले यहां के सरदार की मदद करना जरूरी है, क्योंकि हम यहां उन्हीं के जेरे साया हैं। अच्छी बात की है ना? बहुत अच्छी बात की। ऐसा करना हम सबके लिए फायदेमंद होगा। सही कह रहे हो। मैं उमरुलार कबीले का नया सरदार हूं। मेरे सरदारान मेरे ताबे हैं और मैं सबको हुक्म देता हूं कि वो यहां के सरदार आला की इताअत करें। अगर आप अपनी रियासत के कवानीन से आगाह हैं तो फिर मुझ पर एतमाद और भरोसा करके मेरी इताअत करना ही आप पर फर्ज है। मुझे आप पे भरोसा है अर्तुरुल सरदार। आप कहां से तशरीफ लाई हैं खातू? आपके कबीले से अर्तुरुल सरदार। क्या हुआ? मेरी बहन और इनके सिपाहियों पर हमला हुआ जब ये अपनी जमीन देखने जा रहे थे। कैसा हमला? ड्रैकोस के आदमी थे वो, हम पर लुटेरों की तरह हमला किया उन्होंने। उनमें बाजार के कुछ हस्पानवी ताजिर भी शामिल थे। जांगूच ने जब उन्हें हथियार के साथ देखा तो गुंदूस और सुलेमान को इतला कर दी। वो सिपाहियों के साथ हमारे पीछे आ गए। मेरे भाई अपने सिपाहियों के साथ सो उतार रहे थे,
तो इन्होंने हमें देख लिया और मदद के लिए पहुंच गए। तमाम हमलावर जान से मारे गए। गुंदूज और सुलेमान अब कहां है? वो कबीले में है। गुंदूज तो ठीक है लेकिन सुलेमान जख्मी है। बमसी चलो मेरे साथ। जैसा आप कहे। जो तुमने किया वो पता चल गया साम कुछ। तुम्हारा जहन तुम्हारी आंखों की तरह तेज है। तुम्हें इनाम जरूर मिलेगा। आपने मुझे रहने के लिए जगह दी सरदार और खाने के वक्त खाना मिल जाता है और कुछ नहीं चाहिए मुझे। का भरोसा जीत लिया। अब कबीले पहुंचने का वक्त आ गया है। बस इतना ही नहीं, मैं तुम्हारे औताक में दाखिल हो जाऊंगा। औताक में अर्तुरुल। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? इरन, इरन, या अल्लाह, इस वक्त कहां चली गई वो? मकतूब है। गुंदूस, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती थी मगर रह ना सकी। अगर यूं ही बैठी रही तो बाबा के कातिलों का सुराग नहीं मिलेगा, इसलिए मैं कुस्तुनतुनिया बादशाह से मिलने जा रही हूं। उन्हें ड्रैगोस की तलाश में मदद करने के लिए कायल करूंगी। मुझे माफ कर देना गुंदूस, क्या मालूम हम फिर किसी रोज एक दूसरे को देख सकें। क्या किया इरन, ऐसा क्यों किया तुमने? काश थोड़ा और सब्र कर लेती तुम। खैरियत तो है इरन, ड्रैगोस के मामले में बादशाह से बात करने गई है, उन्हें कायल करना चाहती है। वो जानती थी अगर मुझे बताया तो नहीं जाने दूंगा। आर्तुक भाई से बात हुई है मेरी। इंशाल्लाह बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएगा सुलेमान। इंशाल्लाह भाई। गुंदूज और ये लड़ाई के दरमियान में वहां पहुंचे, लेकिन सुलेमान इलबिल के खातून को मौत के दरवाजे से खींच लाया वापस। फख्र है मुझे इस पर। इन्हें उस साजिश का कैसे इल्म हुआ अर्तुरुल भाई? सऊद के बाजार में जांगूच है, उसे खबर मिली तो इन्हें बता दिया। अब मुझे इजाजत दें। अर्तुरुल भाई, गुंदोगदू और आपके भाइयों की कोई खबर आई अब तक? मैंने कुछ राबते किए हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द कोई खबर मिल जाएगी उनकी हमें। सब्र और हौसला कायम रखें सलजान खातून। अपने घर को और सुलेमान को देखें, उनके बारे में फिक्र मत ना हो। हमें सिर्फ आप ही का सहारा है भाई, अगर आप हमारे साथ ना होते तो फिर हमारा क्या होता? बहुत शुक्रिया।
तुम्हें यहां सही सलामत देखकर मुझे खुशी हुई बिल्के। बाबा की गैर मौजूदगी में हम खुद को कमजोर नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। मुझे यही उम्मीद थी तुमसे। बाबा के कातिलों को जल्द तलाश कर लूंगा मैं, उनकी मौत को मुश्किल बना दूंगा। वो अपनी मौत के लिए मेरे सामने गिड़गिड़ाएंगे और उन्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा मैं। अर्तुरुल सरदार ड्रैगोस को तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, यकीनन वो जल्द मिल जाएगा। अब तो आप भी यहां आ गए हैं, शुक्र है। इल्विल के, मुझे लगता है कि तुम बहुत भरोसा करती हो अर्तुरुल पे। उन्होंने भरोसा दिलाने के लिए बहुत कुछ किया है भाई। मत भूलो कि हमारे पापा और हमारे सिपाही उसी के सराय और उसी की जमीन पे मारे गए। कातिल वो नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी तो उसी की है। आप उस सरदार की बात कर रहे हैं जिसकी अभी आप इताअत करके आए हैं। आज मैं और मेरे साथी मौत के मुंह में जा चुके थे। वहां उनका बेटा और भतीजा ना आता तो हमारा क्या हाल होता। मैंने उसका हाथ चूमकर उसे वही इज्जत दी जिसका वह हकदार है। आखिर यहां का सरदार आला है। तो फिर सोत में फैली लाकानूनियत तुम्हें नजर नहीं आ रही क्या? अगर हमें यहां आबाद होना है तो क्या हमारा फर्ज नहीं कि यहां का कानून दोबारा नाफिज करने के लिए अपना किरदार अदा करे? खास तौर पर जब सरदार अर्तुरुल जैसा बहादुर और काबिल एतमाद सरदार आला हो। तुम पे अर्तुरुल का जादू इस वक्त बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे उसके कबीले पर। आप कहना क्या चाहते हैं भाई? बहुत सी बातें हैं जो तुमसे करनी है, लेकिन उससे पहले मैं बाबा की कब्र पे फातिहा पढ़ना चाहता हूं। जैसी आपकी ख्वाहिश। और हां, एक और बात, सुलेमान और उसकी मां से मोहतात रहना। सलजान खातून का शौहर कुंतोगतू मंगोलों का मुखालिफ है और सुना है कि वो बहुत खतरनाक आदमी भी है। कोई भी मुश्किल पैदा कर सकता है वो, याद रखना। लईस आपसे सरहद पर मिलना चाहता है, इस बात ने मुझे उलझन में डाल दिया है। वो जानता है कि हम किले में नहीं जाएंगे तुर्कुत, और यहां वो नहीं आएगा कभी। उसने महफूज रहने के लिए सरहद पर बुलाया है। अब हम क्या करेंगे भाई? हम उसकी ख्वाहिश पूरी करेंगे बमसी। उससे अच्छी उम्मीद नहीं की जा सकती। मुझे लगता है लईस अपने किसी बड़े से बहुत खौफजदा है तुर्कुत। कोई शक नहीं कि वो किले में ड्रैगोस का जासूस है। हुक्म दीजिए भाई, क्या करना है अब? हम एक आतिश फिशा हैं बमसी, काबू पाना नामुमकिन है। लईस की ख्वाहिश है कि हकीकी मुजाहिद देखे तो उसे पूरा करेंगे। हम वहां जरूर जाएंगे। सिपाहियों को खबर कर दो कि हिफाजती तदाबीर की जाए। जो हुक्म सरदार।
ये लीजिए सरदार। आफरीन, अच्छे मेजबान हो। आओ मेरे साथ बैठो अताज। जिनान, तुमसे पास सालार हो मेरे और बेहतरीन सिपाही भी हो। अगर कोई हमला करे मुझ पर और तुम हिफाजत न कर पाओ मेरी तो क्या करोगे? मैं अपनी जान ले लूंगा सरदार, लेकिन क्यों? क्योंकि हम सिर्फ अपने सरदार के लिए जीते हैं और उसी की खातिर अपनी जान कुर्बान करते हैं, और अगर सरदार ही मर जाए तो फिर हमारे जिंदा रहने का क्या फायदा? सुन लिया ताज, तुम तो बाबा के सबसे बेहतरीन सिपाही थे, उमर सरदार के मुहाफिज़े आला थे, उनकी हिफाजत करना तुम्हारा फरीजा था। लेकिन क्या हुआ उनके साथ? वो कत्ल हो गए। तो फिर तुम क्यों जिंदा हो अब तक अताज? इसमें खून नहीं है, मुझे ऐसे खाने से नफरत है। बैठ जाओ। तुम्हारी मौजूदगी में बाबा कत्ल हो गए और तुमने नहीं देखा, कुछ भी दिखाई नहीं देता तुम्हें। तो आखिर अब तक तुम जिंदा क्यों हो अताज? सरदार मैं ये उनका अपना मामला है, दखल अंदाजी मत करना। जांगोच, कहिए सरदार। गोश्त चाहिए मुझे, खून से भरा हुआ। कमरे में ले आना मेरे। जो हुक्म, जो हुक्म। अब तुम्हें मेरे लिए काम करना है,
जो भी देखो और जो कुछ भी सुनो वो मुझे आकर बताओगे। गुंदस और सुलेमान को इलबिलगी खातून के बारे में खबर देने वाले मुखबिर तुम ही हो। हाँ, मैं इंतकाम लेने आया हूँ, लेकिन ये उसका बदला नहीं है, बल्कि मैं उससे इंतकाम लेने आया हूँ जिसके हाथ में लगाम है तुम्हारी। अमीर बहाउद्दीन तुम्हें अपनी सौजा बनाना चाहते हैं। भाई सलजान खातून, मैं उमरुल्लार कबीले का सरदार हूं बेबुलाद। ड्रेगोस नाम के शैतान का साथी है।